माझं म्हणणं काय माहितीये, तुम्ही ना इथे प्रशासनात येऊन ना प्रशासनाचा सत्यानाश करण्यापेक्षा बहुजन विकास आघाडीच्या पेरोल वर जा, तो तुम्हाला स्वप्नील पगार याच्यापेक्षा जास्त देईल. कशाला आमचा सत्यानाश करताय? एक सल्ला देतो, याच्यापेक्षा जास्त पैसे कमवाल, नगरसेवक वगैरे व्हाल, त्यांची चाकरी करा, कशाला आमचा सत्यानाश करता? या शहराचा सत्यानाश. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. इस समय हम मौजूद है वसई बाबोला और वसई स्टेशन जाने वाले रोड के. यहाँ आप देख सकते हैं इस रोड पर कुछ लोग, रोड भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए और रोड इन्होंने जाम किया हुआ है. ये पूरा विषय क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल जो काफी बड़ा सवाल है, उस सवाल पर आपका दृष्टिकोण खींचना चाहूंगा. सवाल यह है कि क्या वसई विरार में थापी युग के अंत का समय आ गया है? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? तो यह सवाल इसके लिए कर रहे हैं कि यहाँ इस समय यह जो पूरा मामला है पूरी तरह से राजनीतिक है, और इसमें जहाँ एक तरफ एक पार्टी भाजपा जो आपको दिखाई दे रही है वही है, तो दूसरी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है. मामला कुछ ऐसा था कि पिछले दिनों दो तीन दिन पहले बहुजन विकास आघाड़ी के एक पदाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को रोक कर, जब उन्होंने कुछ ग्रुप में ऐसा कुछ लिखा बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर और सिद्धेश ठाकुर के बारे में, तो उससे नाराज होकर बीच सड़क पर रोक कर उनके साथ मारपीट की, और मारपीट की तो मामला उस मामले में तूल पकड़ा. उस पदाधिकारी का नाक टूटा, उनको लगा, उनको अस्पताल जाना पड़ा, और वो मामला दो तीन दिन से चालू था. अब इस समय हम जहां खड़े हैं, यहां एक हाउगली करके ये एक बाजार बनाया गया था, इसमें आरोप लगाया जाता है कि ये बाजार जो है वो स्वप्निल नर जिन्होंने इस पूरे मामले में जो मारपीट की थी, जो आरोपी है उनके ऊपर दो गुना भी दाखिल हुए हैं, और उनका ये बाजार, उनके संरक्षण में ये बाजार बनाया गया है. तो सवाल ये है कि जहां इस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर काफी लोग अपनी राय प्रतिक्रिया देते हैं, और ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रतीक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उसको रोक कर स्वप्निल नर ने मारा, वो गलत किया. लेकिन उसके बावजूद ये मामला इतना बढ़ गया, जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लीड की, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो अपने आत्मविश्वास में सरोबार है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी जो पिछले 30 सालों से यहाँ सत्ता में है और उसका जो अपना पावर है उससे कोई अछूता नहीं है, उसके बावजूद यहाँ आज ऐसा हो गया कि दोनों पार्टी जो है वो आपसी टकराहट में. हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ कोई बड़े पदाधिकारी सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहे, और फिलहाल यह मामला बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के बीच. भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि ये खाऊ गली जो है इसको तोड़ा जाए, ये अनाधिकृत है. अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी ये है कि आज इनके पदाधिकारी के साथ मारपीट हुई तो ही इन्हें ये खाऊ गली अनाधिकृत दिखाई दी. इससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने कई बार शिकायतें की थी, तो शिकायतें की थी बराबर है, लेकिन आंदोलन जो आज तीव्र आंदोलन हुआ वो बनने के समय क्यों नहीं किया गया? इसमें जब इतने लोग जो इसका संचालन कर रहा है, जो इसका लेकर कमा रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे लोग हैं जो धंधा अपना कर रहे हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, और जिनका रेहड़ी सिस्टम पर जिनका कारोबार चलता है, उनकी क्या आजीविका जो है वो अब खतरे में नहीं आ गई? जब ये बन रहा था तभी क्यों नहीं रोका गया? महानगर पालिका की हम कुछ बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि महानगर पालिका का तो रवैया ही हमेशा से गलत ही रहा है. महानगर पालिका का रवैया सही होता और अनधिकृत बांध काम इस तरह से बड़े नहीं होते, तो आज ये नौबत नहीं आती. आज काफी समय से ये नाटक शुरू है, ये नौटंकी शुरू है. दोपहर से भारतीय जनता पार्टी बारिश होने के बावजूद यहाँ रोड पर बैठी हुई है. अभी भी जब इसको खाली कर दिया गया तो ये कहा जा रहा है कि ये मांग की जा रही है कि इसको तोड़ा जाए. बुलडोजर जो इस समय देश भर में एक बुलडोजर कल्चर शुरू है, तो उसी बुलडोजर की मांग यहाँ की जा रही है.
लेकिन फिर सवाल वही है कि आज ही क्यों बुलडोजर यहाँ लाया जाए, उसका सवाल उसकी बात कही जा रही है। आज से पहले क्यों ही इसको तोड़ने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं काफी सवाल है। सवालों के घेरे में बहुजन विकास आघाड़ी जितनी है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सवाल और भी है कि क्या उनके पदाधिकारी के साथ में इस तरह से मारपीट हुई तभी उनको ये लगा कि उनको रोड पे उतरना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार मामले होते हैं जहां इस तरह से मारपीट होती है, लेकिन क्या कभी आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी रोड पे उतरी है? तो कहीं ना कहीं काफी सवाल है। अब देखा जाएगा, फिलहाल प्रशासन काफी दबाव में है। आप देख सकते हैं कितना बंदोबस्त है, पुलिस है, प्रशासन है, क्यों? क्योंकि यहाँ कायदा सुव्यवस्था जो है उसको लेकर काफी प्रश्न चिन्ह है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, महानगर पालिका ने भी अभी तक यहाँ से सामान खाली किया है, लेकिन फिलहाल महानगर पालिका तोड़ नहीं रही है और इसीलिए ये लोग अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि इसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा हम उठेंगे नहीं। तो ये किस करवट ऊंट बैठता है वो देखा जाएगा। आज की बैठक के लिए इतना ही। नहीं, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि यहाँ के जो इलीगल धंधे है वो बंद होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और महापालिका प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन ने बोला है, फिर भी महापालिका प्रशासन के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ये जो इलीगल धंधे करते हैं इनके पेरोल पे है, और उसके वजह से जिनका नमक खाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसलिए महापालिका प्रशासन के अधिकारी ये सब इलीगल धंधों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसकी वजह से वसई विरार में जो क्राइम का रेट है वो भी बढ़ रहा है, और यहाँ लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है। तो इसलिए और इसी इलीगल धंधों से ये जो सड़ा फटिंग लोग है जो रास्ते पे घूमते हैं और गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ये वसई विरार और पर्टिकुलरली वसई ये सुशिक्षित सुजान नागरिकों का सुसंस्कृत लोगों का शहर है। यहाँ ऐसे ये गुंडागर्दी सड़क छाप गुंडागर्दों का गर्दी करने वालों को कोई जगह नहीं है, और बहुजन विकास आघाड़ी ऐसे लोगों को अगर पनाह देती है, ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट करती है, वो खुद को बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता करके बोल रहा है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि वसई विरार है, ये वसई सुसंस्कृत लोगों के शहर है, ऐसे जगह ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं रहेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन पे उतरी है। इसका कारण यही है कि ऐसे गुंडा लोगों को ये जो रोड छाप लोग है उनके लिए कोई वसई में जगह नहीं है, इनके लिए कार्रवाई। और हम लोगों ने पुलिस के ऊपर मांग भी की है, इनके ऊपर बहुत सारे गुने हैं, छुट गई है लोगों, छुटपुट बहुत सारे गुने हैं, इनको तड़ी पार करो। ये कार्रवाई तो कार्रवाई तो हम लोग करके रहेंगे। महापालिका प्रशासन कितना भी इनके पल्लू के नीचे झुके छुपे, हम इनको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेंगे। महापालिका प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ये कोई महापालिका प्रशासन के जो कानून है उस कानून के अनुसार ही चलनी चाहिए। किसी को अगर मन मर्जी कहीं भी कुछ भी करे ये हम लोग नहीं चलने देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हल्ला हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है, प्रतीक चौधरी के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमने कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, कायदेशीर कार्रवाई हुई, और कायदेशीर कार्रवाई के बाद जब कानून और महानगर पालिका पुलिस स्टेशन हमको निवेदन दिए उनको कि भाई जो उनका गैर कानूनी जो अवैध धंधा जो चल रहा है इसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, दो दिन उनको फॉलोअप किया गया, दो दिन पूछा गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको दुर्लक्षित किया। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे। मेरा मेन कहना यही है कि देखिए, ये हर बार की तरह एक भय निर्माण करना, ये एक मेन इनका मकसद है, जिसके वजह से ये लोग आक्रामक होकर कार्यकर्ताओं पर हल्ला कर रहे हैं। तो कोई भी पक्ष, मैं बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के हर एक व्यक्ति पदाधिकारी अब इतने मजबूत है, इतने एक साथ है कि अब सहन करके लेंगे नहीं। वसई विरार पहले जैसी नहीं है, वसई विरार के कार्यकर्ता मजबूत है और लड़ेंगे। तो ये जो भय निर्माण करने का जो माहौल बना रहे, वो माहौल अब चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर हर
बार अगर किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी टिप्पणी हुई, कोई भी अगर उसके ऊपर हल्ला हुआ, तो हर एक कार्यकर्ता ऐसे बैठेगा और एकदम विरोध करेगा और भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में अब सुकायदा कानून व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास करेगी। अजीत जी क्या कहेंगे आज आप यहाँ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतीक चौधरी, दो तीन दिन पहले उनके ऊपर जो प्राणघातक हल्ला हुआ हम उसका निषेध करते हैं, और जो हल्ला करने वाले बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते हैं उनके जो अनैतिक काम है, उनके जो अनैतिक व्यवसाय है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी मांगती है। यही हमारी मांग है। महानगर पालिका के आयुक्त अनिल जी पवार, उनको हमने लिखी निवेदन दे के मांग की है कि ऐसे जो अवैध काम चल रहे हैं उनके, वो तुरंत उसको हटा देना चाहिए। इसके लिए आज हम वो मांग लेके आज इधर बैठे हैं। क्या लगता है अगर महानगर पालिका ने अब तक कई लेकिन आप अभी भी अपनी जगह पर खड़े? महानगर पालिका जो काम कर कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल समाधानकारक नहीं है। इसके लिए हम लोग जब तक समाधानकारक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। पुलिस की कार्रवाई तो कुछ पुलिस करेगी, हमारा जो काम हम लोकतांत्रिक तरह से हमारी मांग रखी थी आयुक्त के पास, वो जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी मांगी थी, जिन्होंने इनके ऊपर हल्ला किया था वो कार्रवाई हो गई, उनका अरेस्ट हो गया, उनको बेल मिल गई, लेकिन और भी कल उनके ऊपर FIR दाखिल हो गया है। समाज में असंधा हो सकती है ऐसा है, उनके ऊपर और एक FIR उनके ऊपर दाखिल हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पूरा घटनाक्रम चला और पूरे घटनाक्रम को हम यहाँ पर पिछले 3 घंटे से, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी ने इस रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक किया था, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने जब उनको समझाया तब एक तरफ का रोड बंद किया गया और एक तरफ का रोड जारी था, और जो कुछ घटनाक्रम हुआ अंततः उनकी मांग ये थी कि कम से कम इस पर कार्यवाही, जो खाऊ बनी है उस पर कार्यवाही, थोड़ा कार्यवाही जब हो तो हो, लेकिन इसका सामान जब्त किया जाए, इसके अंदर जो भाकड़े दिखाई दे रहे हैं वो भाकड़े जो है यहाँ से हटाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन पर भी काफी दबाव है और इसी दबाव के चलते महानगर पालिका ने उनको उठाया नहीं, लेकिन ये जरूर उन्होंने पत्र देकर कहना चाहा कि हम पत्र देते हैं, आश्वासन देते हैं कि ये कार्रवाई करेंगे। तब बीजेपी पार्टी के लोगों ने उस पत्र को लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम पत्र नहीं लेना है। बाद में बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा पालघर सांसद हेमंत सावरा को फोन किया गया, और उनके फोन पर बात होने के बाद जब उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अगर महानगर पालिका ने इस पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी के बाद कार्रवाई नहीं की तो वो खुद सड़क पर उतरेंगे और एक आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने जब इस तरह से एक विश्वास दिलाया तब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से उठे हैं। ये रोड साफ हुआ है और ये पूरी अपडेट है। अब कहीं ना कहीं मैंने जो पहले एक बात सवाल उठाया था कि क्या वसई विरार में ठाकुर युग का अंत शुरू हो चुका है, तो यही लगता है। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में आपने देखा है किस तरह से पूरे पालघर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा अपना वर्चस्व कायम किया, खासकर वसई, नाला सुपारा और बोईसर में भी भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह लीड ली थी, और खास बोईसर में तो खुद जो सिटिंग MLA है वो वहां से पिछड़ गए थे, वही कैंडिडेट भी थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है, आने वाले चुनाव पर इस पूरे जो प्रकरण है उसका काफी प्रभाव पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं आने वाला समय तय करेगा कि क्या होने वाला है। ये पूरी अपडेट हमने दी, आपने देखा, वीडियो लाइक और पसंद आया तो आपको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।